अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मरियम नवाज ने ईद उल फितर प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया और साथ ही साथ हुकूमत की जानिब से सास एमरजेंसी कैश प्रोग्राम और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से बड़ी इमदाद तकसीम करने का बहुत बड़ा अहम फैसला हो चुका है। अगर आप गरीब हैं, मुस्तहिक हैं और आप इन तीनों प्रोग्राम्स के जरिए हुकूमत की जानिब से इमदाद हासिल करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को आपने हरगिज़ स्किप नहीं करना, आज के इस वीडियो को आपने मुकम्मल ज़रूर से देख लेना, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपके साथ अप्लाई करने से लेकर इमदाद वसूल करने तक का तमाम तर तफसीलात, तमाम तर डिटेल आपके साथ मैं शेयर करूंगा। आप इस वीडियो को स्किप नहीं करना, आप इस वीडियो को मुकम्मल जरूर से देखना है। तो चलिएगा, इस वीडियो के अंदर तो सबसे पहले आपसे छोटी सी गुजारिश होगी, अगर आप इस चैनल पर नए, आज के नीचे आप सामने रेड कलर का आपको बटन नजर आ जाएगा, आप लाजमी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिएगा, बगैर टाइम वेस्ट किए जानिब बढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि हुकूमत की जानिब से सास एमरजेंसी कैश प्रोग्राम का आगाज इस वजह से किया जा रहा है कि जो कि जैसे पीडीएम की हुकूमत आई थी जो कि इस प्रोग्राम को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया था, लेकिन अब दोबारा फिर आपको पता है कि पीटीआई की हुकूमत इंशाल्लाह 90 दिन के अंदर अंदर दोबारा फिर आने वाली है। तो इसी वजह से अब हुकूमत की जानिब से यह फैसला किया गया है, अब दोबारा फिर असास एमरजेंसी कैश प्रोग्राम का आगाज किया जाएगा, तमाम गरीब घरानों को इमदादें दी जाएंगी और इन तमाम गरीब घरानों से वोट लिया जाएगा, जिसकी वजह से इस प्रोग्राम का आगाज किया जा रहा है। अब इस प्रोग्राम के जरिए आपको 14,000 रुपए की इमदाद दी जा रही है, लेकिन इसमें अप्लाई करने का कुछ तरीके का डिफरेंट है। आपने क्या करना है, आपने 817 पर सबसे पहले तो मैसेज सेंड कर देना, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने घर के किसी भी करीबी सेंटर में जाकर अपना डायनेमिक सर्वे कराना, सर्वे के बाद आपको हुकूमत की जानिब से इमदाद मिलना स्टार्ट हो जाएगी। अब दूसरे नंबर पर हुकूमत की जानिब से जो 9,000 रुपए की इमदाद दी जा रही है, ये उस प्रोग्राम के जरिए दी जा रही है जिस प्रोग्राम के जरिए तमाम गरीब खवातीन हजरात इमदाद वसूल कर रही थी, जिसका नाम है असास एमरजेंसी कैश प्रोग्राम से हट से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, जिस प्रोग्राम के जरिए काफी खवातीन हजरात इमदाद वसूल कर रही थी। लेकिन क्या मसला बना, इस प्रोग्राम की जानिब से दोबारा फिर नई अपडेट इस वजह से लाई जा रही है जो कि माह रमजान बहुत करीब आ चुका है, जिसकी वजह से हुकूमत की जानिब से यह फैसला हुआ है कि काफी ऐसे खानदान है जो कि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, काफी लोगों ने रोजे वगैरह भी रखने हैं, जिसकी वजह से अब हुकूमत की जानिब से अब आपको बड़ी इमदाद दी जाएगी। पहले 7,000 थी, उसमें 33% इजाफा करके उसको 9,000 रुपए कर दिया और 9,000 रुपए की जो इमदाद है वो आपको 24 मार्च 2023 में मिलना स्टार्ट हो जाएगी। काफी खानदान इसका बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, इसमें अप्लाई करना भी आपको पड़ेगा, वो किस लिए कि आपने क्या करना है, आपने अपने घर के किसी भी करीबी सेंटर में चला जाना है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सेंटर में, ये बात याद रख लें, वहां पर जाना है, वहां पर जाने के बाद अपना डायनेमिक सर्वे कराना है, सर्वे के बाद आपको हुकूमत की जानिब से इमदाद मिल जाएगी। अब दूसरे नंबर पर हुकूमत की जानिब से काफी खानदान ईद उल फितर प्रोग्राम के हवाले से अपडेट ले रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं ये कोई प्रोग्राम नहीं है हुकूमत की जानिब से, जस्ट ये नाम अनाउंसमेंट किया गया है ईदी प्रोग्राम के जरिए इमदाद। ईदी प्रोग्राम में तीन प्रोग्राम आते हैं, एक तो मैंने आपको दो बता दिए, तीसरा प्रोग्राम है असास राशन राइत प्रोग्राम, जिस प्रोग्राम के जरिए आपको हुकूमत की जानिब से इस माह रमजान के महीने में राशन दिया जाएगा और इस प्रोग्राम के जरिए इमदाद भी मिलना स्टार्ट हो रही है। अगर आप अपनी इमदाद लेना चाहते हैं तो 24 तारीख से पहले 8123 पर मैसेज सेंड कर दे, आपकी इमदाद के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।